ओम श्री गणेशाय नमः। माय फ्रेंड्स, सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम एक नो कांटेक्ट पे रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या फील करते हैं और क्या वो इस रिलेशनशिप में कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, या मतलब क्या उनकी इंटेंशंस हैं। बेसिकली हम ये देखना चाहेंगे। सो फ्रेंड्स, हम रीडिंग को एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि जितनी रेजोनेट हो उतनी लीजिएगा, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दीजिएगा और कुछ भी इम्पोज नहीं करिएगा और एनर्जी मैच करने की कोशिश करिएगा। आप चाहे अपने नाम से या फिर अपने सन मून राइजिंग, जिस भी चीज़ के अकॉर्डिंग रीडिंग को देखते हैं उसके अकॉर्डिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपके लिए डिवाइन गाइडेंस निकालूंगी, जो आपसे मैच हो तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग रीडिंग को देखें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, रीडिंग को लाइक करना अगर एनर्जी क्लेम करना, ठीक है। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ऑल राइट, ओके। सो पाइसिस राशि, आइए देखते हैं आपके लिए क्या है इस नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी निकालूंगी फ्रेंड्स, फिर आपके पार्टनर की, वो देखेंगे वो इस नो कॉन्टैक्ट में क्या देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, ठीक है। तो एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है आपके लिए, देन पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द टावर, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो, सबसे पहली बात तो पाइसिस राशि, एक तो आप आज भी उनसे उतना ही लगाव है, आपको उतनी ही ज़्यादा आपके मन में उनके लिए उतनी ही वैसे कहते हैं ना भावनाएं हैं, आज भी चीज़ें आपके मन में उतनी ही स्ट्रांग हैं। तो कहीं ना कहीं आपके मन की फीलिंग्स अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं उनको लेकर। आप अभी भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा मन में प्लान्स बनाते रहते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप शायद कुछ प्लान्स बना रहे हैं और उनको जल्दी इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हैं। हालांकि द टावर के कार्ड से मुझे भी दिख रहा है कि आप पुरानी बातों के बारे में आज भी सोचते हो, क्यों ये झगड़े हुए, कैसे हुए, क्या रीज़न्स थे, क्यों सामने वाले ने मेरे साथ इस तरीके से किया, और पुरानी चीज़ों को लेके काफ़ी सोचना, काफ़ी स्ट्रेस लेना दिख रहा है मुझे। पेज ऑफ सोर्ड से आप में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं, आप भी काफ़ी अपने आप को एक डिफरेंट पर्सन की तरफ देखते हो। बट वही है कि अब इस जो भी एंडिंग हुई है, जो भी नो कॉन्टैक्ट शुरू हुआ है, और हो सकता है काफ़ी टाइम से हो ये नो कॉन्टैक्ट, अब आप चाहते हैं या तो इसमें न्यू बिगनिंग हो जाए, या तो एक साइकिल कंप्लीट होकर मेरे को दोबारा से मौका मिल जाए और चीज़ें सब कुछ बेटर हो जाए और हमारे रिश्ते को एक नाम मिल जाए। अगर कमिटमेंट थी तो शादी हो जाए, और शादी थी तो दोबारा से रीयूनियन हो जाए, कुछ इस टाइप की सिचुएशन में मुझे दिख रहा है कि आप इस तरीके की चीज़ें सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं अपने दिमाग में। तो ये आपकी रीडिंग है फ्रेंड्स। अब मैं आपके पार्टनर के तरफ से देखती हूँ कि पाइसिस राशि के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। तो पाइसिस राशि के पार्टनर इस नो कॉन्टैक्ट में क्या सोच रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ कप्स आपके में भी आया था, याद है, किंग ऑफ कप्स आया था आपके में, एस ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। तो देखो, आपका जो भी पार्टनर है पाइसिस, एक तो ये भी, जैसे आप अपनी पुरानी बातों को, अपनी की हुई मेहनत को कि भाई मैं कर लूँ आगे चल के, चीज़ों को ठीक कर लूँ, तो ये, और जो आपके पार्टनर है वो तो पुरानी बातों को बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, आज भी पास्ट में जी रहे हैं, आज भी उन चीज़ों से उनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है। हालाँकि चाहते हैं कि इस साइकिल को ख़त्म करें, आगे बढ़ें, आपसे कुछ बातचीत भी करें, शायद उनके मन में भी है फीलिंग्स, ऐसा नहीं है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि जब इंसान अपने दिल के रास्ते ही बंद कर दे, सामने वाले से बातचीत ही बंद कर दे, बोलना ही बंद कर दे, एक्सप्रेस करना ही बंद कर दे, और कन्फ्यूज़ हो जाए कि मुझे करना क्या है, तो वो फिर क्या डिसीज़न लेगा, है ना। तो वो पर्सन कन्फ्यूजन में ही जीता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो सोचना ही नहीं चाहता कि मुझे करना क्या है,
उसके जो एक्शंस हैं वो है ही नहीं, खाली फीलिंग्स हैं। अगर मैं देखूं क्या वो कुछ एक्शन लेने की सोच रहे हैं, तो देखो तीन चीज़ें आई हैं इसमें, तीन कार्ड्स में तीन हैं। द टेम्परेंस आया है, सिक्स ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। तो इससे मुझे एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई है कि डेफिनेटली वो एक तो अपने आप को पहले भी बैलेंस कर रहे हैं। सबसे पहले तो भाई अपने आप को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अभी अपने इमोशंस को ही बैलेंस नहीं कर पा रहे थे पहले, ठीक है, बिखराव था उनके लाइफ में। दूसरा, फीलिंग्स उनके मन में आपके लिए मैंने पहले ही बोल दिया है, लेकिन सिक्स ऑफ कप से रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, ऐसा नहीं है सिक्स ऑफ कप से। और द एम्प्रेस से आप उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हो, जो मुझे दिख रहा है। आप उनकी लाइफ के बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन हो, मे बी आपके बेबीज भी हों, क्योंकि इसमें भी सिक्स ऑफ कप से एक फैमिली नज़र आ रही है और इस तरीके से नज़र आ रहा है। तो मे बी आने वाले टाइम में चीज़ें वो कोशिश करें, बातचीत करें, जब वो बैलेंस हो जाएंगे, जब उन्हें अब लगेगा कि हाँ अब मैं संभल चुका हूँ, या अब मेरे अंदर इतनी विजडम आ गई है, एक सद्बुद्धि वाला फेज़ आ गया है कि मैं चीज़ों को शायद मैनेज कर सकता हूँ, अगर मैं बात करूँ तो आपको मना सकता हूँ, है ना, तो शायद कुछ बेटर हो। अब मैं आपके लिए डिवाइन गाइडेंस निकालती हूँ फ्रेंड्स। क्या है डिवाइन गाइडेंस फॉर पाइसीज राशि? सो परफेक्ट टाइमिंग, अनलाइकली एंड हेल्पफुल पीपल। देखो परफेक्ट टाइमिंग से मुझे लग रहा है कि एक तो आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे लाइफ में या आने वाले टाइम में जो आपको इस प्रॉब्लम में हेल्प करेंगे, जो कि आपको शायद ये नो कॉन्टैक्ट ख़त्म कराने में हेल्प करेंगे। क्योंकि अपने आप अगर आप सोचोगे कि ये चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी तो नहीं होंगी। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, तो भी पूजा पाठ करो, थोड़ा दिमाग अपने दूसरी जगहों पे लगाओ। बिल्कुल इस टाइम यही सब चीज़ें मत सोचते रहो कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, कब होगा, कैसे होगा। इन चीज़ों से निकल के थोड़ा सा आप भी जैसे वो बैलेंस कर रहे हैं खुद को, आप भी अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करो, ठीक है। सो पाइसिस राशि, ये है आपकी रीडिंग। होप आप इससे मैच कर पाए हो। एनर्जी को क्लेम करके कमेंट्स में बताना मुझे कि क्या है, और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया, रीडिंग को लाइक करना। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।